ये एक ऐसा वायरलेस माइक्रोफोन है जो सिर्फ 3000 रुपये का आता है, जो अपने मोबाइल के साथ सीधा यूज़ कर सकते हो। कोई लाइव्स हो, मीटिंग्स हो, या इवन अगर अपने मोबाइल से ब्लॉगिंग या कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, हम में से अगर किसी ने ये यूज़ करना चाहोगे तो मैं ये अच्छा से टेस्ट करूँगा। इसके फीचर्स क्या है, इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, या प्रैक्टिकली ये यूजफुल है या वेस्टेज ऑफ मनी है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अभी ये जो माइक्रोफोन है ग्रीन एरो ब्रांड का है, एज्यूमिंग ये चाइनीज ब्रांड का है, ब्रांड डजंट मैटर। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले देखोगे इसके अंदर एक वारंटी कार्ड है और एक मैनुअल मिलेगा। वारंटी एक साल का है, और जो मैनुअल इसके इस माइक्रोफोन में क्या क्या फीचर्स है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ लिखा है। तो आगे से इसके बारे में मैं बताऊँगा। और ये बॉक्स के अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले ये एक डब्बा मिलेगा। इस डब्बा को ओपन करने के बाद देखो कि इधर दो ट्रांसमीटर है, इधर एज ए दो पर्सन यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई मीटिंग या कोई ब्लॉगिंग में जहाँ भी हो, आप दो पर्सन का अगर वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर और एक मिलेगा रिसीवर, जो अपने सीधा अपने मोबाइल में लगा के यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत पतला है। और सबसे अच्छा एक चीज़ मुझे लगा कि इसके जो रिसीवर है, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, वो डायरेक्ट मोबाइल में लगा के यूज़ कर सकते हो। और ये है चार्जिंग केस, जब आप ट्रांसमीटर इसके अंदर रखोगे तो डायरेक्ट वो चार्ज करना शुरू कर देगा, चार्ज करना स्टार्ट करेगा। इसके अंदर कितना परसेंट चार्ज है ये भी डायरेक्ट दिखाई देगा। इस बॉक्स के साइड में एक डब्बा पड़ा हुआ है, इस डब्बा के अंदर कुछ ना कुछ चार्जिंग केबल वगैरह हो सकता है। इसके अंदर दो चार्जिंग केबल एक साथ में मिलता है, USB टू C टाइप का है, जो एक साथ दो अपने जो ट्रांसमीटर है उसको यूज चार्ज कर सकते हो। और इसके अंदर और ये दो मिलेगा, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये मैं बाद में बताऊँगा। और ये है अगर आप आईफोन यूज़र है तो आईफोन के साथ ये लगा के यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर जो मैंने कहा था ये रिसीवर है, वो अपने मोबाइल में डायरेक्ट सीधा लगा के यूज़ कर सकते हो। अगर अपना मोबाइल आईफोन या सैमसंग मोबाइल है तो डायरेक्ट लगा के यूज़ कर सकते हो। और अगर अपना मोबाइल सैमसंग नहीं है या आईफोन नहीं है तो दूसरा किसी मोबाइल है, तो इसके अंदर अपने एक काम करना पड़ेगा। पहले आप एक काम करना, पहले सेटिंग में जा कर के सर्च करना OTG सर्च करके करने के बाद OTG कनेक्शन में क्लिक करना। OTG कनेक्शन वाला जो ये ऑप्शन दिखेगा वही वाला ओपन करना है। फिर से बैक करके सर्च करना डिफ़ॉल्ट, सर्च करने के बाद डिफ़ॉल्ट डिवाइस में क्लिक करना है। इसके बाद इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला ओपन करना है। इसके बाद डायरेक्ट इधर देखोगे डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। और अगर आप आईफोन यूज़र है तो इस रिसीवर के अंदर ये लगा के डायरेक्ट ये अपने आईफोन में ऐसा लगा के यूज़ कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो रिसीवर है, इस रिसीवर जब आप मोबाइल में लगाओगे, अगर देर से कोई लाइव करना चाहते हो या कोई रिकॉर्ड करना चाहते हो तो दूसरे एक साइड में उन्होंने एक चीज़ रखा है कि इधर अपने ये चार्जिंग केबल लगा के अपना मोबाइल डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हो। उन्होंने ये जो रिसीवर के अंदर ये एक चार्जिंग का जो सिस्टम रखा है वो काफ़ी अच्छा से सोच रखी थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एक चीज़ है, ये जो रिसीवर है, इस रिसीवर के अंदर ये अगर इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करके अपना अगर अकेला आप रिकॉर्ड कर रहा है तो अपना रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं वो पता करने के लिए इधर अपने हेडफोन लगा के डायरेक्ट अपना वॉइस सुन सकते हो। अपना वॉइस कैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये सुन सकते हो।
मोबाइल में रिसीवर इंसर्ट करने के बाद अपना ट्रांसमीटर ऑन करोगे, ट्रांसमीटर ऑन करने के बाद डायरेक्ट ये रिसीवर में लाइट जलेगा। तो एज ए दो पर्सन ये दो ट्रांसमीटर है यूज़ कर सकते हो। एज लाइक मान लो मैं किसी से बात करना चाहता हूँ या किसी से ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इसका भी आवाज़ आना चाहिए, तो इसके साथ दूसरा देकर ये मैं वॉइस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और एक चीज़ अच्छा लगा मुझे, ये जो रिसीवर इस चार्जिंग केस के अंदर डालने के बाद डायरेक्ट ये चार्ज करना स्टार्ट करेगा और इसके कितना परसेंट चार्ज है ये भी दिखाई देगा। और जो ये चार्जिंग केस है वो तो अलग ही से आप चार्ज कर सकते हो, ट्रांसमीटर को अलग अगर चार्ज करना चाहते हो जो इधर चार्जिंग केबल लगा के चार्ज कर सकते हो। और चार्जिंग कितना परसेंट चार्ज है ये भी दिखाई देगा। अगर चार्ज की बात करूँ तो ब्रांड में जो लिखा है तो 8-10 घंटा ऐसा ही ये हो जाएगा, 8-10 घंटा ये चार्जिंग कैपेसिटी है। अगर चार्ज 2-2.5 घंटा के अंदर हो जाएगा ऐसा लिखा है। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। अभी मैं इस ट्रांसमीटर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं पीछे की तरफ चले जाऊँगा और ताकि आप कंपेयर कर सको ट्रांसमीटर का साउंड क्वालिटी कैसे आ रहा है कितना दूर से। तो मैं अभी लगभग 30 मीटर के तक आ गया, अभी साउंड कोई फ्लैट हो रहा है तो इट इज़ ए वेरी बैड क्वालिटी। अगर साउंड कोई अच्छा क्वालिटी का आ रहा है, कोई फ्लैट नहीं हो रहा है, तो इट इज़ ए वेरी गुड जॉब। भाई मोबाइल से अपना रिसीवर को हटा दो। फिर से मैं रिसीवर को कनेक्ट कर दिया है और रिसीवर को कनेक्ट करने से पहले थोड़ी देर के लिए आई थिंक आपको कोई साउंड नहीं आया होगा, अगर आया होगा तो थोड़ा साउंड आया होगा। अगर विदाउट ट्रांसमीटर से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ऐसा ही साउंड आएगा। इस ट्रांसमीटर का काफ़ी सारा ऑप्शन है। अभी मैं थोड़ी टाइम के लिए चुप हो जाऊंगा ताकि आप कंपेयर कर सको डायरेक्ट साउंड कैसे एब्जॉर्ब करता है और ये नेचुरल हवा का साउंड कैसे एब्जॉर्ब करता है। आप ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको सुनने को मिलेगा कुछ नेचुरल साउंड या हवाई का कोई साउंड सुनाई देगा। मैं इस बटन को अगर सिंगल प्रेस करूंगा तो ये फास्ट नॉइस ऑफ कैंसलेशन होगा। तो मैं सिंगल प्रेस करने के बाद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊंगा ताकि आप कंपेयर कर सको। आई थिंक पहले जो साउंड दिया है इससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होगा। और अगर मैं और एक बार प्रेस करूंगा तो वो सेकंड नॉइस ऑफ कैंसलेशन हो जाएगा। तो मैं और एक बार प्रेस करूंगा ताकि आप कंपेयर कर सको पहले साउंड का। आई थिंक आपका ये सेकंड नॉइस ऑफ कैंसलेशन पहले से थोड़ा अच्छा क्वालिटी का साउंड आया होगा। और अगर मैं फिर से और एक बार प्रेस करूंगा तो वह थर्ड नॉइस ऑफ कैंसलेशन होगा। तो ये मैक्सिमम नॉइस ऑफ कैंसलेशन है। अगर मेरा साउंड में से कोई नेचुरल साउंड वगैरह ज़्यादा कैंसलेशन नहीं कर रहा है तो ये अच्छा नॉइस ऑफ कैंसलेशन नहीं है। तो मैं फिर से और एक बार प्रेस करके थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊँगा ताकि आप कंपेयर कर सको। अगर ये पूरी तरह कोई साउंड नहीं आ रहा होगा तो ये मैक्सिमम नॉइस ऑफ कैंसलेशन है और ये अच्छा क्वालिटी का है, इट इज़ ए वेरी गुड जॉब। अगर कोई साउंड फ्लैट आ रहा है तो ये कोई अच्छा नॉइस ऑफ कैंसलेशन नहीं है। इस ट्रांसमीटर का और एक खासियत है कि कोई लाइव रिकॉर्ड कर रहा है या किसी आपका रिकॉर्ड करने के लिए कोई कॉल आ गया है तो आप ये साउंड नहीं आना चाहिए तो ये म्यूट कर सकता है। आप ये इस बटन में अगर दो बार प्रेस लगातार करोगे तो म्यूट हो जाएगा। अभी मैं दो बार प्रेस करूँगा, फिर से लगातार दो बार प्रेस करके अनम्यूट कर सकते हो। शायद आपको कोई साउंड सुनाई नहीं दिया है, ऐसा करके आपको म्यूट कर सकते हो। और इस माइक का और एक बहुत बड़ा खासियत है, अगर आप इस बटन में अगर लगातार 3 बार प्रेस करोगे तो इस माइक का जो साउंड है वो रिवर्बेशन मोड में चले जाएगा। मैं अभी 3 बार लगातार प्रेस करके दिखाता हूँ ये साउंड कैसा आता है।
आप कोई फैन या कोई माइक से बात कर रहे हैं या कोई अच्छा क्वालिटी का ब्लॉग बना रहा है या साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा देना चाहते हो तो इस आपके ब्लॉग का साउंड इसी तरह ही आएगा। आप इस माइक्रोफोन से इस ट्रांसमीटर से ऐसा ही साउंड आपको देगा, बहुत अच्छा साउंड है। अभी तक हमने जो टेस्ट ले रहा था वो तो सिंगल एक ट्रांसमीटर से टेस्ट ले रहा था, अभी हमने गौर में जाएंगे आपका नंबर ये जो दो ट्रांसमीटर है इससे हम अभी टेस्ट करेंगे, दोनों से बात करेंगे, करके रूम में जाकर ये बात करेंगे, दोनों बात करके अच्छी तरह टेस्ट करके आपको रिव्यू देगा। सारे टेस्ट करने के बाद मेरा रिव्यू ये है, 3000 के हिसाब से ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, ठीक है। लेकिन अगर अपने और अच्छा कोई क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो मेरा मानना ये है तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का और एक खरीदना ही बेटर है। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सा मेहनत करना पड़ता है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं इसका सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा।